ତେରଦିନରେ ତେରଶହ କିଲୋମିଟର ଟୁ ଡି କଲିଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ପୁରୀରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁରୀରୁ ବିଚ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଏବେ ଯାତ୍ରା ବାହାରୁଛି ଚିଲକା ଲାଗୁନ ଏବଂ ଚିଲକା ଲାଗୁନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଏ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି किए दिल्ली रु आ किए हरियाणा आए पंजाब रु आ किए उत्तराखंड रू आ किए गुजराट रू आ देखिपे भिन्न भिन्न जगार आवं जगह ठीक बीच सामन ही जरा आरंभ कर प्रतिक्रिया नवा ओड़सा बाबदेर ज्ञान साउँटा को चेष्टा चेस्टा सर आपका पहले आपका नाम और एज कितना है और एज क्यों पूछ रहा हूँ कि एज के हिसाब से आप लोग तेरह दिन में तेरह सौ किलोमीटर और आज से पच्चीस दिन के बाद आई आई विल विल बी बी ऑफ एज सोच नहीं सकते आप तेरह सौ किलोमीटर चलाएंगे साइकिल सोच so, uh, मैंने पंद्रह uh, सौ किलोमीटर साइकिल छह दिन के अंदर किया हुआ है छह दिन के अंदर सार, सार, ये तो, तो, तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ हाँ, भी नहीं है मैंने डेली बॉम्बे किया है फोर्टीन हंड्रेड एटी किलोमीटर तो ये सब एज इज़ जस्ट नंबर इट्स नथिंग सर से कोनार्क हाँ, देखे हैं हाँ, और उड़ीसा के ब्यूटी के बारे में क्या कुछ कहेंगे और साइकिलिंग करिए बहुत खूबसूरत शहर है आज से तीस साल पहले करीब मैं यहाँ आया था तब से और अब मैं बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं सड़कें बहुत अच्छी हो गई है लो, लोग बागों का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है लोग बाग बहुत ही मिलनसार है बहुत आप कोई भी बात उनसे पूछे तो बहुत सही जवाब देते हैं ऐसा नहीं कि आप इधर को राइट पर जाना तो बोलेंगे लेफ्ट को जाओ बहुत ही मिलनसार लोग हैं बहुत अच्छा शहर है और मैं यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम वीक में एक दिन साइकिल जरूर चलाइए साइकिल चलाइए सर जी जगन्नाथ मंदिर देख चुके हैं शायद और बीच तो आप मैं देख रहा था बिल्कुल बिल्कुल मैं देख मुझे प्रकृति बहुत पसंद है और प्रकृति को इंजॉय करने का सबसे बेहतर तरीका या तो आप पैदल चलें या फिर साइकिल चलें और प्रकृति को बचाने के लिए हमें गाड़ियाँ छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि उनसे जो पोल्यूशन होता है हमारा इन्वामेंट ख़राब होता है हमारा वातावरण ख़राब होता है तो इसके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि प्रकृति की तरफ घूमें प्रकृति में घूमें प्रकृति के लिए काम करें ताकि हमारा जो वातावरण है जो हमारा इन्वयरमेंट है वो सारा अच्छा रहे और हम अगली जनरेशन को ये चीज़ें हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें बहुत अच्छा सर क्या कुछ वार्ता देना चाहते हैं आ, भरत ठाकुर मेरा नाम है और आई एम फिफ्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड डेली गवर्नमेंट में प्रिंसिपल में था और लेकिन चार साल पहले ही मैंने अभी अगस्त में अपना वॉल्टी रिटायरमेंट ले लिया और इसका मकसद खास यही था कि थोड़ा सा दुनिया घूमो और साइकिल चलाऊं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा लंबा अभी तक का साइकिलिंग ये एक्सपडिशन होगा और 10-11 साल पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके यहाँ आया था और एक मन था मुझे दोबारा मैं आऊँ लेकिन इस तरह से आऊँगा ये मुझे पता नहीं था टूर डी कलिंग का जो चीफ हैं वो जो इनका ड्रीम था उड़ीसा को डेवलपमेंट कैसे किया जाए क्या कुछ कहेंगे ये पूरा सी आई मेन एक्सेप्ट द मोनिटाइजेशन पार्ट उड़ीसा वॉज ऑलवेज ए डेवलप्ड स्टेट इफ यू आर एबल टू पुट द पैरामीटर्स द ट्रेडिशन दी कल्चर द नेचर दी हॉस्पिटैलिटी देन उड़ीसा हैज ऑलवेज बीन ए डेवलप्ड स्टेट नाउ कमिंग टू टूर दी कलिंगा आई वुड से कि येस वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन आवर अटेम्प्ट इट इज जस्ट आवर फोर्थ अटेम्प्ट मैं एक छोटी सी मैसेज देना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से इफ यू वॉन्ट टू लिव लॉन्ग come to cycling if you want to live young come to cycling if you want to be an explorer if you want to achieve something then join tour de kalinga definitely bahut bada katha koi chanti mu dekhia ko chahi bi ye ye ho chanti sanjita singh negi मैं इनके साथ बात कर रहा था वो कह रहे थे कि गुजरात से आ, क्या कुछ कहेंगे आ, पूरा उड़ीसा के बारे में क्या कुछ है और साइकिलिंग आपका फैशन होगा। जब नहीं। हमें टूर द कलिंगा का पता चला योगी जी और सुधीर भाई से तो हमारा पहला था उड़ीसा रहे हैं बस हमने कुछ नहीं पूछा उन्होंने बोला तेरह हंड्रेड किलोमीटर हमने बोला हम चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है और इससे पहले भी मैंने सौ किलोमीटर अहमदाबाद टू दिल्ली किया हुआ है सो थाउजेंड किलोमीटर वो किया हुआ है और मेरा साइकिलिंग का पैशन शुरू हुआ दस साल पहले और धीरे धीरे मतलब 20, 30, 40 किलोमीटर करते करते अभी इन ए स्ट्रैच आई डन टू हंड्रेड किलोमीटर तेरह घंटे में इस तरह का रहता है तो uh, लेडीज लोगों को क्या वार्ता देंगे आप <laughs> उनसे सिर्फ ये बोलना चाहूंगी अपने आप को रोके नहीं और uh, अपने लिए भी कुछ करें मतलब हम लोग हमारा प्रॉब्लम क्या है औरतों का कि हम अपने को भूल जाते हैं जब फैमिली आ जाती है बच्चे आ जाते हैं हस्बैंड आ जाते हैं तो हम अनचाहे चाहे वे हम भूल जाते हैं अपने आप को तो यहाँ पे एक लुक बैक करने की जरूरत है कि हम अपने आप को देखें और कुछ अपने लिए भी करें कुछ ऐसे काम करें जो आपको सेटिस्फेक्शन दे लाइफ में कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक लेवल के बाद सबको देश के लिए कुछ ना कुछ किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए टूर द कलिंगा हमें इतनी दूर से गुजरात से यहाँ लेके आया है यहाँ का कल्चर देखने का मौका मिला जगन्नाथपुरी के कल दर्शन हुए बहुत अच्छा लगा इतना यूज मंदिर है और उसका जो हमने भक्ति देखी वो ट्रीमेंडस एक्सपीरियंस वहाँ का रहा कोनाक टेंपल है और जिस तरह से हम साइकिल कर आगे रहे हैं आगे जा रहे हैं बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 डेफिनेटली हमारा जो लीडर अच्छे थी जोगिंदर सिंह सर क्या कुछ कहेंगे टूर डी कलिंगा एक बहुत ही बेहतरीन टूर हमने क्यूरेट किया है और हमने कोशिश की है कि उड़ीसा का जो एक मिक्स टेरेन है जिसके अंदर आप वाटर बॉडीज भी हैं हिल्स भी हैं और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एरिया है एंड बुद्धिस्ट सेंटर है और आपका क्या कुछ नहीं है उड़ीसा सो एग्जैक्टली सो यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं है इस स्टेट के अंदर सब कुछ है एक और एक बहुत ही और यहाँ की कल्चर बहुत ही अच्छी है यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और जिस तरह से टूर टूअी कलिंगा को हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूरोपियन कंट्री में साइकिल चला चुके हैं कह रहे थे हाँ सो so, मैंने लंदन एडिनमर्ग लंदन लंदन में साइकिलिंग किया है पेरिस में भी साइकिलिंग किया है और काफ़ी लंबी लंबी हॉस्पिटैलिटी और यहाँ का दिन रात का फ़र्क है हाँ। मैं कहूँगा दिन रात का फ़र्क है यहाँ की हॉस्पिटली का कोई मुकाबला ही नहीं है उसके सामने यहाँ तो मतलब वहाँ वो लोग एक तरह से बिल्कुल ही इन हॉस्पिटेबल है और यहाँ के लोगों का जो आतिथ्य है वो बहुत ही बेहतरीन है अगर यहाँ पे हम किसी से पानी मांग लेते हैं चाय मांग लेते हैं तो वो खाना खिला के भेजता है हमारे को सो तो ये बहुत ही खास चीज है उड़ीसा के अंदर तो ये उड़ीसा साइकिलिंग के एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन डेवलप की जा सकती है आम सहित तो एडीएम सर अच्छा प्रदीप कुमार साहू सर का स्वागत करते आज एक्सपेडिशन सेकेंड डे स्टार्ट हो चिल्का ची, कौन कह सर पूरा टूर डी का देखिए गत काली जो टूर डी ए, কলিংগা কালি আছে পুৰীৰে পহিলা জিলা প্ৰশাসনটো আমি স্বাগত কৰিলোঁ আজি আমি বিধায়ক সম্বৰ্ধনা দৌচু এই বাস্তৱিক বহুত উচ্চ কোটিৰ পদক্ষেপ যি ই নেতৃত্ব মধুসূদন মিশ্ৰ আৰু তুমি বহুত ধন্যবাদ দিয়ে যে টিম আমাৰ এই আজি পুৰীৰ যিবিলাক দে কৰি ব্ৰহ্মপুৰ দি কোৰাপুট যিব আমি যা শুনো তেৰ তিনিৰে তেৰশ কিলোমিটৰ যিব অত্যন্ত স্বাগত পদক্ষেপ আমাৰ ওড়া একচুেলি গোটেই ৰিচ ষ্টেট ইন টুৰিষ্টৰ তাৰ যি বিভিন্ন যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ যি জি ৰান্ৰ জানি যি টুৰিষ্ট চাইকেলিষ্টুক্ত বিভিন্ন জাগাৰু আছিল ভাৰতৰ বিভিন্ন দেশ ৰাজ্যু আছিল হৰিয়ানা দিল্লী গুজৰাটটো আছিল ওড়াৰ যি টুৰিষ্ট চেক্টৰ ডেভলপ কৰিবলৈ নিশ্চিত সহায়ক হ'ব আমাৰ যি কেৰাফুট হ'ব বিভিন্ন চিলিকা বিভিন্ন যি সুন্দৰ পৰ্যটনস্থলী অঁ তাক লোক লোচনক আনিব দেখিব सिनियर सिटेन अनि सइकेल् चलैकिरी आसु बाह्र राज्यहरू आउँदेखि भारी उत्साहित लागु निजको सौभाग्य मनकुसहित आज मिसि आउँदै जिल्लापा निष्पत्ति निर्देश विद्या सम्बर्धना देउछु আগামী দিনত নিশ্চিতভাৱে জিলা প্ৰশাসন এই কাৰ্য স্বাগত কৰিব আশা কৰিব মা প্ৰভু জগন্নাথ কৃপাৰ এই চাইকেল যাত্ৰা সমস্তৰ সফল নিশ্চয় মই দেখা চাহি পুৰীৰ লোকা চাইকেলিষ্ট মানে উৎসাহ কৰিব আচিক পাত্ৰা টু ডি কলিং তেৰ দিনৰে তেৰশ কিলোমিটৰ যাত্ৰা কোৰাফুট আৰু দেওমা দেওমা টপমোষ্ট হিল অফ দ ওড়া ৰীচ কৰিব পাৰে পুনর্বার এ যাত্রা দারিঙ্গাড়ি হয়ে পৌঁছব ভুবনেশ্বর তেমন আমি সমস্ত শুভকামনা দেবা যে এ যাত্রা সফল হো এবং যে মোট রকি যে বার্তা দেওয়া তাহা সফল হো এবং ও বুলিবা সহিত ওড়শার বুটি কি এমানে দেখি সারা ভারতবর্ষের সারা বিশ্বের প্রচার এবং প্রসার করত পুরী ক্যামেরা পর্সন গোপাল তিওয়ারী মধুসূদন মিশ্র